हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग। लास्ट वीडियो सेशन में हमने कपलिंग के बारे में पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि कपलिंग क्या होती है, कितने प्रकार की कपलिंग होती है। हमने पढ़ा था हाई कपल, लूज कपल, नो कपल क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने यह भी देखा था कि टोटल कितने प्रकार के कपलिंग होती है। आज के वीडियो सेशन में जो टाइप्स है कपलिंग के, हम उन सभी टाइप्स को विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था और अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल 6 प्रकार की कपलिंग होती है। देयर आर 6 टाइप ऑफ कपलिंग विच इज गिवन बिलो। फर्स्ट इज नो डायरेक्ट कपलिंग, सेकेंड इज स्टैम्प कपलिंग, थर्ड डेटा कपलिंग, फोर्थ कंट्रोल कपलिंग, फिफ्थ इज कॉमन कपलिंग एंड सिक्स इज कंटेंट कपलिंग। टोटल 6 प्रकार की कपलिंग होती है, जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कपलिंग है। अब हम एक एक कपलिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले है नो डायरेक्ट कपलिंग। और इस नो डायरेक्ट कपलिंग को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, नो डायरेक्ट कपलिंग। दैट्स मीन कि ये डायरेक्ट कपलिंग नहीं है। डायरेक्ट कपलिंग का मीन क्या होता है कि इसका किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी दूसरे मॉड्यूल से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, या किसी दूसरे मॉड्यूल पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए आप क्या इसमें क्या है, इन नो डायरेक्ट कपलिंग देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल। कि जो नो डायरेक्ट कपलिंग है इसमें नो कनेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मॉड्यूल्स क्या होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक बड़े सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और वो छोटे भाग उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल होते हैं उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। मॉड्यूल्स हैव नो इंटरकनेक्शंस, सो मॉड्यूल आर अनरिलेटेड विद ईच अदर। जब मॉड्यूल्स का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, माना 4 मॉड्यूल्स हैं, चारों मॉड्यूल अलग अलग है, उनका कोई आपस में एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि दे हैव नो इंटरकनेक्शंस। जब वो उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो उनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन भी नहीं है, और वो एक दूसरे से अनरिलेटेड है, रिलेटेड भी नहीं है। और हम यह भी कह सकते हैं कि उन दोनों वो मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट है, वो चारों मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट है, कोई भी मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल पर डिपेंड नहीं है। वी कैन सी नो डायरेक्ट कपलिंग इन बिलो फिगर। हम इसको यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं नो डायरेक्ट कपलिंग को। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मॉडल्स मॉड्यूल दिए हुए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। अब आप यहाँ पे देखिए कि मॉड्यूल 1 के 2 मॉड्यूल बना दिए, यानी मॉड्यूल 1 एक था, इसका 2 सब मॉड्यूल और बना दिया मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 के नाम से। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो है वो कहीं आपको दिख नहीं रहा है कि इसका ऐसे इससे ऐसे इंटर कनेक्शन हो, इसका ऐसे इंटर कनेक्शन हो, या इसका ऐसे इंटर कनेक्शन हो, या इसका ऐसे इंटर कनेक्शन हो। इस तरीके का कोई भी आपको यहाँ पे एरो फ्लो नहीं दिख रहा है। डैट्स मीन ये तीनों मॉड्यूल क्या है, अलग अलग है। मॉड्यूल 1 अलग है, इसके 2 सब मॉड्यूल बना दिए मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। और हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों मॉड्यूल है, ये तीनों मॉड्यूल आपस में क्या है, अलग अलग। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, नो डायरेक्ट कपलिंग, यानी इन तीनों मॉड्यूल के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है, तो इंटर कनेक्शन नहीं है, तो ये एक दूसरे से अनरिलेटेड है, और इनके बीच में किसी भी तरह की डिपेंडेंसी भी नहीं है।
क्लियर फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, व्हेन ए डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। डेटा स्ट्रक्चर मीन, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का मीन क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर विच कंटेन द लॉट ऑफ डेटा या विच कंटेन द लॉट ऑफ डेटा रिगार्डिंग टू एनी पर्टिकुलर फंक्शन और टास्क। तो व्हेन ए डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, जब किसी डेटा स्ट्रक्चर को काम में लिया जाता है, किस काम में, इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में, एंड द डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज पासेज, और जो डेटा स्ट्रक्चर है वो खुद भी पास हो जाता है व्हेन नीडेड वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज ए स्टैम्प कपलिंग बिटवीन द कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि इन कंपोनेंट्स के बीच में किस तरीके की कपलिंग है, स्टैम्प कपलिंग है। तो स्टैम्प का मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो कि यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारा सूचना का संग्रह होता है जो कि रिलेटेड होती है पर्टिकुलर किसी फंक्शन या मॉड्यूल से। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें से कुछ डेटा पास किए जाते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में, या डेटा स्ट्रक्चर पूरा की पूरा खुद पास हो जाता है ज़रूरत पड़ने पर, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्टैम्प कपलिंग बोलेंगे। विथ स्टैम्प कपलिंग द डेटा वैल्यूज फॉर्मेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मैच बिटवीन इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। आप जिस भी कंपोनेंट से इंटरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, या आप जिस भी कंपोनेंट के पास इस डेटा स्ट्रक्चर के डेटा को या डेटा स्ट्रक्चर को पास करना चाह रहे हैं, वहाँ जो डेटा की वैल्यूज है, फॉर्मेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, मस्ट बी मैच्ड। ये क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तभी डेटा जिस कंपोनेंट के पास जा रहा है उस कंपोनेंट के लिए यूजफुल रहेगा। अदरवाइज जिस कंपोनेंट के पास जा रहा है उस कंपोनेंट के लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा। आप इसको इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल है, इसका सब मॉड्यूल बना दिया मॉड्यूल टू। अब आप यहाँ पे एरो से देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एरो आ रही है, ये फ्लो इधर आ रहा है, बट इसके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। मॉड्यूल वन से डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा है मॉड्यूल टू पर, डैट्स मीन एक कंपोनेंट से डेटा स्ट्रक्चर कहाँ आ रहा है, दूसरे कंपोनेंट के बीच में, एंड वी कैन से डेट दिस इज स्टैम्प कपलिंग। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्टैम्प कपलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम डेटा कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग हमने देख ली, डेटा कपलिंग का अंदर क्या होगा, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये तो हमें पता चल ही गया है कि कपलिंग में यहाँ हो क्या रहा है, कि जो डेटा है, सूचनाएं हैं, वो एक बल्क में या पर्टिकुलर पास हो रही हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में। लेकिन जहाँ पर डेटा पास हो रहा हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में, वो कपलिंग कौन सी कपलिंग होगी, डेटा कपलिंग। जहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा हो या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के डेटा पास हो रहे हो, वो हमारा कैसा कहलाएगा, डेटा, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैम्प कपलिंग कहलाएगा। अब हम देखते हैं डेटा कपलिंग में क्या है। व्हेन ओनली डेटा आर पासेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, जब केवल क्या पास हो रहा है, डेटा पास हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में, द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय डेटा कपलिंग। तो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है, डेटा कपलिंग से, या हम इस प्रकार की कपलिंग को क्या बोल सकते हैं, डेटा कपलिंग बोल सकते हैं। थस डेटा कपलिंग इज सिंपलर एंड लीव्स लेस रूम फॉर एरर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेटा कपलिंग क्या होती है, सिंपल होती है, इजी होती है, और इसमें एरर भी यानी कि अशुद्धियां भी क्या होती है, या गलती होने की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द डायग्राम ऑफ डेटा कपलिंग वेयर यू कैन सी द मॉड्यूल वन। नाउ हियर इज मॉड्यूल वन एंड वी क्रिएट द सम मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल वन विच इज मॉड्यूल टू।
ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कैन से डेट द फ्लो इज गोइंग ऑन फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 2. Now you can see on the this right side that this is here we can see the argument list. Argument list mean here module 1 passes the data to module 2. That's mean here data is passed from component 1 to component 2, and we can say that this is data coupling. मैं आपको एक बार और रिवाइज कर दूं फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया हो. आप यहां देख सकते हैं कि यहां मॉड्यूल 1 है, इसका सब मॉड्यूल हमने 2 बना दिया. यहां पे डेटा का फ्लो आप देख रहे हैं मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 की तरफ हो रहा है. दैट्स मीन कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 की तरफ यहां पे डेटा फ्लो है. और फ्लो में आप देख सकते हैं कि आर्गुमेंट लिस्ट आ रही है. आर्गुमेंट के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह की सूचना या डेटा हो सकता है. तो दैट्स मीन ये हमारा क्या हो गया, डेटा कपलिंग हो गया. और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डेटा कपलिंग बोलेंगे. नाउ फोर्थ इज कंट्रोल कपलिंग. हम पढ़ रहे हैं अब तक हमने 3 कपलिंग पढ़ ली. अगर डेटा पास हो रहा है दैट्स मीन डेटा कपलिंग, अगर स्ट्रक्चर पास हो रहा है दैट्स मीन स्टैम कपलिंग, अगर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से दैट्स मीन्स नो कपलिंग. एंड नाउ इज कंट्रोल कपलिंग. तो कंट्रोल कपलिंग में क्या होगा, कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो कंट्रोल पैरामीटर है, जो कंट्रोल सिग्नल है, वो पास किया जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में, और इसी को ही हम कंट्रोल कपलिंग कहते हैं. और हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, चलते हैं क्या है इसमें. व्हेन वन कंपोनेंट पासेज पैरामीटर टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अनदर कंपोनेंट. जब एक कंपोनेंट पास करता है पैरामीटर टू कंट्रोल, कंट्रोल के पैरामीटर को, या हम इजी लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं कि जब एक कंपोनेंट कोई भी कंट्रोल सिग्नल पास करता है किसी दूसरे कंपोनेंट को, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज कंट्रोल कपलिंग बिटवीन द टू, कि उन दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या है, कंट्रोल कपलिंग है. देखिए कंट्रोल कपलिंग से क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा दूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा. दिस इज मॉड्यूल 1, माना हमने मॉड्यूल 1 ये है और हमारा मॉड्यूल 2 ये है. ओके, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, कंट्रोल कपलिंग के अंदर ये कोई भी कंट्रोल सिग्नल पास करेगा. कौन, मॉड्यूल M1. ये मॉड्यूल M1 किसके पास, मॉड्यूल M2 के पास. दैट्स मीन हम यह भी बोल सकते हैं कि M1 की डिपेंडेंसी किस पर है, M2 पर. दैट्स मीन मॉड्यूल 2 पर. तो M1 कंट्रोल सिग्नल भेजेगा किसको, M2 को. जब M2 कंट्रोल सिग्नल रिसीव कर लेगा उसके बाद ही ये क्या करेगा, आगे के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. दैट्स मीन यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंट्रोल होके रखता है, होके रहता है किसके द्वारा, कंट्रोल सिग्नल के द्वारा. इट इज स्टिल इम्पॉसिबल फॉर द कंट्रोल कंपोनेंट टू फंक्शन विदाउट डायरेक्शन फ्रॉम द कंट्रोलिंग वन. इन ए डिजाइन विथ कंट्रोल कपलिंग देयर इज एन एडवांटेज टू हैविंग ईच कंपोनेंट परफॉर्म ओनली वन फंक्शन टू एग्जीक्यूट वन प्रोसेस. It is still impossible for the control component to function without direction from the controlling one. ये अभी तक क्या है, असंभव है किसको, component के functions को control करना बिना directions, बिना controlling direction के. तो यहाँ पर जो in the in a design with control coupling, जो control coupling की design होती है इसके साथ there is an advantage to have each component perform only one function or execute one process. एक एडवांटेज यह भी है कि जो प्रत्येक कंपोनेंट है वह केवल और केवल एक ही फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और एक ही फंक्शन को केवल क्या करता है, प्रोसेस करता है. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैग सेट इन वन मॉड्यूल एंड टेस्टेड इन अनदर मॉड्यूल, कि फ्लैग हमने सेट कर दिया किसी एक मॉड्यूल में, फिर हमने उसको भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे मॉड्यूल में, और वहाँ पर हम उसका क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं. तो यह हमारा बेस्ट एग्जांपल है कंट्रोल कपलिंग का.
अब आपने जो कंट्रोल कपलिंग पढ़ा, अभी जो थ्योरी आपने देखी है, इसको आप यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं। मॉड्यूल वन, यहाँ पे इसके दो सब मॉड्यूल बना दिए गए, मॉड्यूल टू एंड मॉड्यूल थर्ड। अब देखिए हो क्या रहा है, मॉड्यूल थर्ड के अंदर यहाँ पे मॉड्यूल ए पे आया ये, ओके। मॉड्यूल ए ने एक कंट्रोल सिग्नल पास किया। अब ये आगे प्रोसेस होता जाएगा, जैसे ही यहाँ पर ये फ्लैग यहाँ रिसीव होगा, जैसे ही ये फ्लैग यहाँ रिसीव होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या करेगा, किसी भी फंक्शन के द्वारा इन दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, कंट्रोल कपलिंग। अब हमारा आता है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब क्या होता है कि कॉमन का मतलब जो सामान्य होता है, कॉमन होता है। द मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कॉमन कपल्ड होंगे, कौन से, वे If they share some global data items, अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई मॉड्यूल ग्लोबल डेटा आइटम्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ग्लोबल डेटा आइटम का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा जिसको किसी भी मॉड्यूल में काम में लिया जा सके। अगर इस तरह का डेटा किसी भी मॉड्यूल के द्वारा पास किया जा रहा है तो वो डेटा कैसा हो गया, ग्लोबल डेटा। तो अगर ग्लोबल डेटा पास किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, कॉमन कपलिंग है। तो अगर यहाँ पे दे शेयर सम ग्लोबल डेटा आइटम्स बट डिपेंडेंस स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन डिपेंडेंस क्या रहे, डिपेंडेंसी भी रहे, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, जो डेटा है एक कॉमन डेटा को तो ग्लोबली वो शेयर कर ही रहा है, बट वो डिपेंडेंसी भी उसकी रहे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ कॉमन कपलिंग। सिंस मेकिंग ए चेंज टू द कॉमन डेटा मीन ट्रैकिंग बैक टू ऑल कंपोनेंट डेट एक्सेस डेट डेटा टू इवेल्यूट द इफेक्ट ऑफ डेट चेंज। Since making a change to the common data, अगर आप common data में किसी भी तरीके का change यानी परिवर्तन कर रहे हैं, that's mean tracking back to all component, आप सभी component को track back कर रहे हैं। Date access, date data जो कि क्या कर सकता है, उस globally data को access कर सकता है, to evaluate the effort of that change, जिससे कि वो उस change के efforts को evaluate कर सके। विथ कॉमन कपलिंग इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग सेट ए वेरिएबल टू ए पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, यह समझना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि विच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल, कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे जिम्मेदार है फॉर हैविंग सेट ए वेरिएबल टू ए पर्टिकुलर वैल्यू, कि जो वैल्यू निकल के आई है उस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर कौन सा वेरिएबल का सेट रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि डिपेंडेंसी भी है, ये मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं, और डेटा ग्लोबली शेयर भी हो रहा है। तो कहाँ पर किसने इसको लिया काम में, और कहाँ से चेंजेज हुआ, और कैसे इस तरह से वैल्यू आई, यहाँ पर यह ट्रैक कर पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, किसमें, कॉमन कपलिंग के अंदर। अब आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं, कॉमन कपलिंग को आप देख सकते हैं कि ग्लोबल यहाँ पे A1, A2 और A3 है, वेरिएबल यहाँ पे V1 और V2 है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डेटा एरिया एंड वेरिएबल नेम दे दिया यहाँ पे, कि कॉमन जो डेटा है वो तो A1, A2 और A3 है, और वेरिएबल क्या है, V1 और V2 है। अब कंपोनेंट ए ने क्या किया, V1 को 0 बना दिया, यानी कि V1 का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया, ओके। एंड यहाँ पे कंपोनेंट 2 ने भी क्या किया, V1 का मान फिर से चेंज कर दिया।
कंपोनेंट 3 ने क्या किया, V1 में V2 के साथ में A1 की वैल्यू ऐड कर दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे V1 है, ये तीनों कंपोनेंट के अंदर काम में आ रहा है, शेयर हो रहा है तीनों कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। डैट्स मीन यहाँ पे क्लियर है कि V1 क्या है, यहाँ पे ग्लोबली फॉर्म में शेयर हो रहा है, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का कॉमन डेटा है। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, हमारा 6 है कंटेंट कपलिंग। देखिए कंटेंट कपलिंग में क्या है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कंटेंट कपलिंग के बारे में, ये कंटेंट कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स। जो कंटेंट कपलिंग होता है केवल कितने मॉड्यूल्स के बीच में होता है, 2 मॉड्यूल्स के बीच में। अब 2 मॉड्यूल्स के बीच में कैसे होगा, जब दे शेयर कोड, वे कोड शेयर करेंगे, तो कोड को शेयर करने से क्या होगा कि जब एक मॉड्यूल के पास में कोड होगा उस मॉड्यूल का या उस कंपोनेंट का जिसके पास उसे जाना है या जंप करना है, तो वो सीधा सीधा उस मॉड्यूल पर या उस कंपोनेंट के पास में जंप कर सकता है। डेट इज ए जंप फ्रॉम वन मॉड्यूल इनटू द कोड ऑफ अनदर मॉड्यूल कैन ओकर। तो वो क्या कर सकता है, जंप कर सकता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जिसमें कोड है। कंटेंट कपलिंग माइट ऑक्यूर व्हेन वन कंपोनेंट मॉडिफाइड एयर इंटरनल डेटा आइटम। जब भी हम किसी कंपोनेंट के इंटरनल डेटा आइटम्स को मॉडिफाई करते हैं, तब यह कंटेंट कपलिंग आती है। इन अनदर कंपोनेंट और व्हेन वन कंपोनेंट ब्रांचेज इनटू द मिडिल ऑफ अनदर कंपोनेंट, और हम बोल सकते हैं कि जब एक कंपोनेंट की जो ब्रांचेज है इनटू द मिडिल ऑफ अनदर कंपोनेंट, वो क्या होती है कि किसी दूसरे कंपोनेंट के बीच में होती है, तब भी कंटेंट कपलिंग हम यूज में लेते हैं। जैसे कि कंपोनेंट 2 ब्रांचेज इनटू 4, जैसे कि कंपोनेंट 2 की ब्रांच किस में है, कंपोनेंट 4 में है। कंपोनेंट 4 सपोज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ 3, जैसे कि कंट्रोल 4 किसके अंडर में है, कंपोनेंट 3 के अंडर में है। ओके ये आपको समझ में कैसे आएगा, इस डायग्राम से। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अभी हम क्या बोल रहे थे, कंपोनेंट 2 ब्रांचेज इनटू 4, कंपोनेंट 2 की ब्रांच किस में है, 4 में है, क्योंकि 2 में क्या है, कंपोनेंट 2 में इसको D1 में जाना है, यहाँ पे इसके पास में क्या है, कोड है, ठीक है। और 2 की ब्रांच किस में है, 4 में। डैट्स मीन यहाँ पे जैसे ही कोड है तो ये कोड से वहाँ पे जंप कर लेगा जहाँ पर कोड है। तो ये सीधा सीधा आप देख सकते हो D1 कहाँ आ गया, कंपोनेंट 4 में। और आप देख सकते हो कि 4 किसके कंट्रोल में है, 3 के कंट्रोल में है। हाई कपल अमोंग मॉड्यूल्स Not only make a design solution difficult to understand and maintain, but it also increase development effort and also make it very difficult to get these modules development independently by different team members। कि जो high coupling होती है modules के बीच में, वो क्या करती है, ना केवल design solutions को कठिन बना देती है समझने में और मेंटेन करने में, बल्कि वो जो डेवलपमेंट एफर्ट्स है उसको भी बढ़ा देती है। सो एंड आल्सो मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट दीज मॉड्यूल्स डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली बाय डिफरेंट टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अलग जो मॉड्यूल्स का जो डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली है, वो डिफरेंट टीम मेंबर्स के द्वारा बहुत ही डिफरेंटली, हम बोल सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वे में क्या हो पाता है, डेवलप हो पाता है। कंपोनेंट्स इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यूजली हैव लो कपलिंग। जो कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में, वो यूजली क्या होता है, लो कपलिंग होता है। सिंस ईच ऑब्जेक्ट कंपोनेंट डिफाइन टेंस द डेफिनेशंस ऑफ द एक्शन टेक बाय इट ऑन इट, जहाँ पे क्या होती है, इन सभी की डेफिनेशंस होती है। थस लो कपलिंग इज एन ऑटोमेटिक बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। सो हम कह सकते हैं कि जो लो कपलिंग होती है
किस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसका एक अपने आप का क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स कपलिंग का टॉपिक जो आज यहाँ पर पूरा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने के साथ साथ आपको जो भी हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं वो सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।